और दिल्ली में कोरोना का कहर थम चुका है, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली सरकार अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में लगी हुई है, जिससे ऑक्सीजन से अब किसी भी मरीज की जान ना जाए। इसी के तहत स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोकनायक अस्पताल में 3 PSA ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया और इन संयंत्रों की क्षमता 3.2 मीट्रिक टन है। और वहीं उत्तर पश्चिमी दिल्ली के भगवान महावीर अस्पताल में 1.80 मीट्रिक टन के एक अन्य PSA संयंत्र का उद्घाटन किया गया। मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी है कि दिल्ली सरकार ने शहर के अस्पतालों में 27 PSA उत्पादन संयंत्र शुरू किए। ऐसे में इन 27 हर दिन 31 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए तैयारी जोर शोर से की जा रही है। LNJP हॉस्पिटल में आज 3 PSA प्लांट का इनोग्रेशन किया गया है। ये तीनों PSA प्लांट 3 टन से भी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है। कुल मिलाकर हमारे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी LNJP हॉस्पिटल में 5 टन की पर डे हो गई है। टोटल डिमांड जो नॉर्मली हमें लगभग 5 टन 6 टन होती है, तो नॉर्मल कंडीशंस में तो पूरी रिक्वायरमेंट इसी से पूरी हो रही है। और ये कैपेसिटी इसलिए बनाई गई है कि जिस टाइम पीक था कोरोना का, तब यहाँ पर इस अस्पताल में लगभग 25-30 टन पर डे ऑक्सीजन लग रही थी, तो उसमें से 20-25% ऑक्सीजन यहीं पर प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये सिर्फ यहीं पर LNJP में नहीं, पूरी दिल्ली में हमने दिल्ली सरकार ने 40 से ज़्यादा PSA प्लांट पहले स्टार्ट कर दिए थे, 27 आज स्टार्ट किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार पूरी एहतियात बरत रही है और लोगों से अपील भी की गई है कि किसी भी तरीके की मेजर गैदरिंग ना की गए। अभी जो हमने परमिशन दी है रामलीला वगैरह करने के लिए, उसके अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। वीडियोग्राफी की जाएगी, कोई भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना किया जाए उसका ध्यान रखा जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र TV ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। Download it now.